अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नायला भट्टी और आप देख रहे हैं 7 पॉइंट नेटवर्क। सबसे पहले अहम खबर शामिल करते हैं। मांगा मंडी से 7 पॉइंट नेटवर्क के नुमाइंदे फैसल मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक सरदार कामिल उमर और सरदार आकिल उमर ने मांगा के अवाम के लिए अपने बड़ों के नाम बेगम तलत खालिद उमर की याद पर फलाही इदारा अपवा कसर मकासद सेंटर को जगह दी। बिल्डिंग डोनेट के इफ्तिताह के मौके पर इलाका की माओ बहनों और सहाफ़ी बरदरी समेत समाजी सियासी और मांगा यूथ के नौजवानों ने भरपूर शिरकत की और सरदार आकिल उमर का कहना था कि इलाके की तमाम बहनों को हुनर सीखने के लिए अपवा सेंटर तशरीफ लेकर आना चाहिए और अपने मुस्तकबिल को संवारें। हम जहाँ पे शुरू करेंगे जिसमें ज़ाहिर बात है सिलाई कढ़ाई तो आ ही जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चियों को आगे जॉब्स की तरफ लेके जा सकें या आप अपने फैमिली में घर पे बैठ के कुछ कमा सकें, पैसे ला सकें अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, ताकि आप आगे पढ़ना चाहती हैं या आप अपनी फैमिली के अफेयर्स को रन करना चाहती हैं या फिर कोई नौकरी करके आप और आगे मजीद उसमें करियर में जाना चाहती हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ें होंगी। तो हम एक छोटा सा फॉर्म बना के भेजेंगे इधर मामला की तरफ, तो वो किसी की ड्यूटी लगा के आपके घरों में फॉर्म जाएगा। उस पर ट्रेनिंग से कुछ नाम लिखे हुए होंगे जो आप उनको बता सकती हैं कि कौन सी ट्रेनिंग आप लोग करना चाहते हैं या आपकी कौन सी नीड है या ज़रूरत आपको महसूस हो रही है या कोई ऐसी चीज़ जो यहाँ पे इलाके में इकट्ठी शुरू की जाए जिससे आमदन के ज़राए शुरू हो सके। तो बुनियादी मकसद यही है कि खवातीन को इकनॉमिक एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाया जाए ताकि वो अपनी कमाई करके सेल्फ इंडिपेंडेंट हो और फिर अपने मामला को भी अपनी फैसला साजी के तहत सर अंजाम दे सके। कुछ लेक्चर्स भी होंगे, कुछ सेशंस भी होंगे जिसमें लीगल लेक्चर्स भी होंगे, खवातीन के लॉज पे होंगे, अगर कोई वायलेंस होता है या कोई लड़ाई होती है या मारपीट होती है उसको कैसे आपने सरकारी तरीक़ेकार में किसके पास जाना है, कौन से लोग उसमें काम कर रहे हैं, कौन से लोग कहाँ पे किस चीज़ें कर रहे हैं, लीगल के भी होंगे। स्किल में जो शहर की तरफ चीज़ें आ रही होंगी वो हम इधर भी भेजा करेंगे ताकि आप इधर कर सकें। कोशिश करें यहाँ की मेंबरशिप लेने की इस सेंटर की, जितनी खवातीन और बच्चियाँ इस सेंटर की मेंबर होंगी उतना ही हमारे लिए आसानी होगी आपके लिए स्किल्स के प्रोग्राम लाना, सेल्फ ग्रूमिंग के प्रोग्राम लेके आना। अभी जैसे अंदर एक सजेशन थी कि जॉब पे जाना है तो किस तरह से आपने तैयारी करके जानी है, सीवी कैसे बनाने हैं, कुछ अंग्रेज़ी के अल्फाज जो इस्तेमाल होते हैं वो कैसे हो सकते हैं वहाँ पे वो चीज़ें, और फिर कंप्यूटर और डिजिटल लिटरेसी, बैंक अकाउंट्स, ये सारा कुछ जो है आपके खोले जा सकते हैं इन ट्रेनिंग्स के साथ। बहुत सी चीज़ें हो सकती है, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, चीज़ें सारा कुछ है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुतारफ़ होंगी और फिर उनमें से जो जो चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे, जो चीज़ रनिंग में होगी उस चीज़ को फिर ज़्यादा और तरीके से उसको इस्तेमाल उसमें कोशिश की जाएगी ताकि बुनियादी फ़ायदा जो है वो यहाँ की रिहायशी औरतों और बच्चों को हो सके। ठीक है, मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 7 पॉइंट नेटवर्क।